अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद माज, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं डेली इंफॉर्मेटिव पाकिस्तान। आज हम आए हुए हैं रियल इस्टेट एजेंसी जिसका नाम है पाक प्रॉपर्टी। ये वाकया है नाजमाबाद नंबर 3 में और इनके एक एजेंट का नाम है दानियल खान और आज हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, बंदे के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और बंदा क्या कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो ये बिज़नेस स्टार्ट करे। तो आज बात करते हैं दानियल भाई से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। दानियल भाई आप सुनाएं, आप ठीक हैं? तो दानियल भाई हम ये जानना चाहेंगे कि ये स्टेट के बिज़नेस के अंदर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि आपकी नाजमाबाद में वाकई बात है कि आपको जो है इस काम में आने के लिए स्किल्स चाहिए। स्किल्स और वो स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्किल्स होती हैं। ये सारी स्किल्स आपके पास होंगी तभी आप जो है इस काम में जो है आगे बढ़ सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं। सही, मतलब कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है वो आपसे पूछता है यार ये इसे लिए मैं ये है या ये है ये है, तो आपके पास हर चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। जहाँ जैसे 3 नंबर में 5 नंबर में आप बैठे हो तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मेरे पास यहाँ पर ये है घर, मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर है, इसमें ब्लॉक 3 है 5 है 1 नंबर है 2 नंबर है 3 नंबर है, तो मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो है नॉलेज है, जब आपके पास होगी फिर ही आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकोगे। फिर आपके पास पेपर वर्क की अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप फ्लैट मतलब एक बंदा लेता है तो उसमें जो है वो उसको सब्लीज करानी होती है, फिर उसके बाद जब वो सब्लीज हो जाती है फर्स्ट ओनर से सेकेंड ओनर पर जाता है तो उसके नाम पर पावर होती है, सेल डेड होती है, तो ये सब चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो दानियल भाई आपने इसमें मेरे को ये नहीं बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? इन्वेस्टमेंट का ये है कि आपके पास एक नॉलेज हो, आपके हमारे इदारे से रजिस्टर्ड हो, सारी चीज़ों से रजिस्टर्ड हो और नाजमाबाद रियल इस्टेट का यहाँ पे एक इदारा है जो कि रजिस्टर्ड करता है हर स्टेट को और उसके एक बंदे को जो कि उस ऑफिस का सोल प्रोपराइटर होता है, जो उस ऑफिस को चलाता है। सो इस ऑफिस के सोल प्रोपराइटर जो है वो शेख मोहम्मद जकरिया है, तो उनके नाम पे ये स्टेट जो है वो रजिस्टर्ड है और वो ही इस स्टेट को जो है वो चलाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, हम उन सब के वर्कर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दानियल भाई लोगों का कहना ये है कि इस फील्ड के अंदर ये है हवाई रोजी, लोग बोलते हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर सीज़न ऐसा होता है पार्टीज़ होती ही नहीं है और जब आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता भी। तो आपका क्या कहना है कि मंथली क्या इनकम होती है, क्या बंदा बनना चाहे तो इसके अंदर कितना बंदा इन्वेस्ट करके और कितना बन सकता है बंदा, आप बताएंगे? बंदा इन्वेस्टमेंट देखें, इन्वेस्टमेंट तो बंदे को जितना है उतनी कर दे, मतलब जितना पैसा है बंदे के पास वो बंदा इन्वेस्टमेंट करके और अपना जो है वो काम को चला सकता है। आपके पास मेन होता है कि आपका बिल्डर से अटैचमेंट हो, आपकी हर चीज़ की नॉलेज हो, आपके पास बिल्डर से लिंक हो, आपके पास इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर जब आपके पास होंगे, आप बीच में होंगे, तो आप किसी जो है बिल्डर को जो है वो अपना पैसे लगवा के उनसे जो है वो खरीदवा सकते हैं फ्लैट, क्योंकि इन्वेस्टर से आप अपना काम कर सकते हैं। अगर कभी कस्टमर नहीं हुआ, कभी कस्टमर बहुत होते हैं कभी कस्टमर नहीं होते, तो जब कस्टमर नहीं है तो जो आप अपने इन्वेस्टर को खड़ा रख के और बिल्डर का माल बेच के उनको कम पैसों में दिला के इन्वेस्टर का भी फ़ायदा कराएं और आप अपना भी फ़ायदा करें, ये हो। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि ये फील्ड आपके हिसाब से माशाल्लाह अच्छी है और कराची पाकिस्तान में इस फील्ड के हिसाब से आपका क्या क्राइटेरिया है, कितना स्कोप है इसके अंदर? कराची पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है। अभी जो 2019 और 2018 का जो हमने रेशो उठा के देखा था उसमें जो सबसे ज़्यादा प्लॉट बिके थे तो वो बहरिया टाउन हो गया, मलीर कैंड हो गया और DHA हो गया, DHA फेज 2 हो गया, वहाँ पे 120 गज के प्लॉट जो है वो 0.3 के रेशो से वहाँ पर बहुत बिके हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा प्लॉट बिकने वाली जगह हैं 2018 से 2019 के दरमियान। फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी लोगों ने बहुत परचेजिंग करी है, जो कि लो रेट में जो है प्लॉट मिल रहे थे, जो कि जिनको पैसों की ज़रूरत थी, जो कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे अपने प्लॉट रखने के बाद, तो वो जो है वो चीज़ों को खरीद रहे थे। तो लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उसको ख़रीदा और उसके बाद जब उन्होंने बेचा तो फिर उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छा पैसा मिला और अच्छे जो है उन्होंने खड़े हो गए अपनी जगह पर। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके हिसाब से ये जो जिस फील्ड में आप हैं ये फील्ड का स्कोप बहुत है कराची पाकिस्तान के अंदर? स्कोप बहुत है, इस फील्ड का स्कोप यूँ है क्योंकि अगर जैसे कि हर बंदे को अब जो है अपना हर बंदा हर पार्टी जो है अपना मतलब के एक घर में रहते थे, जो हमारी जो मतलब ज्वाइंट फैमिली होती थी, ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते थे, अब ज्वाइंट फैमिली में लोग रह नहीं पाते। जब वो बोलते हैं यार हमारे बच्चे हो गए हम अलग चले गए हम ये कर लें वो कर लें, तो मतलब उनका जो हिस्सा होता है जो कि मतलब एक घर बिका 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपये का, सही, 5 बहन भाई हैं तो 5 बहन भाइयों के हिस्से में कितना आएगा, 60-70 लाख रुपये। सही, 60-70 लाख रुपये में उनको घर तो मिलेगा नहीं, तो वो उनको जो है हम लोगों ने मतलब प्लॉट बना के पोर्शन बना के पोर्शंस हो गए फ्लैट हो गए लोगों को वो देना है, उनका मतलब वो चीज़ें जो है वो उनके ऊपर सर्वाइव करनी है सारी, फिर वो सर्वाइव करके उस चीज़ों पर रहेंगे और अपना जो है अपना घर भी बना लेंगे, एक अपनी चीज़ भी बना लेंगे और उनकी जब वो बेचने जाएंगे तो फिर उनकी बर्थ भी बढ़ जाएगी, फिर उनके बच्चे होंगे फिर वो अपना घर ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो दानियल भाई मैं ये आपसे सुनना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, आपका माशाल्लाह तजुर्बा है इसके अंदर, आपका एक्सपीरियंस है, कि अगर कोई न्यू फ्रेश बंदा आए
और वो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? बंदा जब आएगा ना, पहली बात तो न्यू फ्रेश बंदा जो है किसी ऐसे बंदे को अपने साथ दे जो कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पुराना हो। अच्छा, क्योंकि अच्छा। जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पुराना होता है उसको पेपर वर्क का ज़्यादा पता होता है, अपना जो है हर चीज़ का पता होता है, यार ये कागजात पूरे हैं या नहीं है, इसमें कौन सा पेपर गायब है कौन सा पेपर नहीं है। तो ऐसा एक बंदा आपके साथ होना चाहिए, अगर आप फ्रेश भी हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो इस काम में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर आपको कोई भी चूना ना लगा सके। सही बात है। जो है आपके पास हर चीज़ की अपडेट हो, यार मैं ये जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस से ही अब करवा लूँगा या वो करवा लूँगा, ये सारी चीज़ों की मेरे पास अपडेट होनी चाहिए। तो दानियल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ हमें टाइम दिया, आप हमारी खिदमत में पेश हुए। तो आपका मेज़बान मोहम्मद माज को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे और इसी इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ।